हार्डवेयर व्यवसायी पप्पू मंडल हत्याकांड का आरोपी शूटर दिलखुश यादव गिरफ्तार। शूटरों को 50,000 रुपए और एक मोबाइल देकर कराई गई थी हत्या। नवगछिया पुलिस छापेमारी कर शार्प शूटर छोटू यादव का भांजा गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा निवासी दिलखुश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलखुश यादव की गिरफ्तारी नवगछिया पुलिस ने भागलपुर के मंगलम हॉस्पिटल के पास से की है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए कहा कि दिलखुश यादव एक शातिर अपराधी है। लूट हत्या जैसे अन्य जघन्य आपराधिक मामलों में वह वांछित है। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर नवगछिया एवं झंडापुर ओपी में इनके विरुद्ध हत्या एवं लूट के कई मामले दर्ज हैं। नवगछिया थाना में भी एक लूट, झंडापुर में एक लूट एवं नवगछिया में एक लूट व एक हत्या में फरार चल रहा था यह अपराधी। दिलखुश यादव की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दिलखुश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर हुई। दरअसल दिलखुश यादव भागलपुर में था। सूचना के आलोक में एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में दिलखुश यादव को भागलपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान वह अपनी पहचान को छुपा रहा था। पुलिस फिर भागलपुर से नवगछिया लेकर आई और पहचान का सत्यापन कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने कहा कि नवगछिया पुलिस जिले में हुए एक आपराधिक घटनाओं में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दिलखुश यादव अपने मामा कुख्यात छोटू यादव के गिरोह का सदस्य भी है। सुपारी लेकर हत्या जैसे घटना को अंजाम देता था यह कुख्यात। इसके अलावा सड़क पर वाहन चालकों से लूट की घटना को भी अंजाम देता था। इलाके में अन्य अपराधियों के संदर्भ में भी उन्हें पुलिस को कई अहम जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस उसके सहयोगी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले कि राजेश यादव से 50,000 व मोबाइल लेकर की थी पप्पू यादव की हत्या। याद हो कि नवगछिया के नया टोला वार्ड नंबर 23 में हुए चंद्रशेखर मंडल उर्फ पप्पू मंडल की हत्या 26 फरवरी को हुई थी। नया टोला के राजेश यादव से 50,000 नगद एवं प्रत्येक शूटर के लिए एक मोबाइल देने की सुपारी लेकर दिलखुश यादव ने अपने सहयोगी अपराधी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। आपको बताते चले कि राजेश यादव ने जेल के अंदर रहकर इस हत्या की पूरी साजिश रची थी। इसका पिता भी सर गिरफ्तार हुआ है गोपालपुर का। किस मामले में? इसका पिता दिलखुश का जी कब गिरफ्तार हुआ? ये भी कल ही हुआ। एससीएसटी का था वारंट उसका। क्या कहानी बताया, किस तरह से घटना किया था उपमंडल का? ये देखिए, इसकी सारी साजिश जेल से रची गई थी। राजेश यादव था जो जेल में सुखकैद था, उसी के साजिश में उनके कहने पर, उनके प्लानिंग पे ये पूरा टीम इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ बरामद भी है सर इससे? नहीं, कोई बरामद टीम के पास नहीं है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? मैंने पहले कहा कि इसे भागलपुर से मुलाय पूछताछ करने के लिए अपना पहचान छुपा रहा था। किसी ने कुछ सूचना दिया कि दिलखुश ये यादव यहाँ पर आया हुआ है। लोग पहचान नहीं रहे थे। लाने के बाद उसकी पहचान स्थापित हुई तो अपना वो कन्फ्यूज भी किया घटना के बारे में। विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।